कितने साल का लड़का हुआ? लड़का 1.5 साल का, और ये मेरी बड़ी बेटी है, 5 साल की हो गई। ओ अच्छा, बहुत क्यूट है। कहाँ पे पढ़ती हो बेटा? स्कूल पे। बड़ी होके क्या बनोगी? बड़ी तो होने दो। बड़ी तो हो गई हो। तो जी, बिल्ली पत्र के नीचे बहुत बढ़िया सा सैटरडे का दिन, स्माइली के साथ सारिका झूला रही है दोनों बच्चों को। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल डूइंग, वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइज। कल के वीडियो में ना बहुत सारे लोगों ने ऐसा लिखा है कि उपवास के टाइम पे हल्दी नहीं खा सकते, वो लॉजिक मेरे को पता नहीं चला। यहाँ ये तो मम्मी तो कमेंट पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण हंसने का ही आता है तुम्हें। उपवास के टाइम पे हल्दी नहीं खा सकते तो उसका क्या, मेरे को पता नहीं चला। हल्दी आप तो खाते हैं, हम तो खाते हैं। कुछ लोग बोल रहे हम खाते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं खाना चाहिए। नहीं क्यों खाना चाहिए उसका? नहीं यानी कारण मन खबर नहीं थे એટલે મે ખાઈ છું। अच्छा ओके, यू भी है। एनीवे गाइस, तो ये चल रहा है, धनिया पाउडर खाते हैं, ये भी खाते हैं, हल्दी तो सब ऐसा है। अभी पापा कल आएंगे वाड़ी से, पापा वाड़ी पे मचा रहे हैं, पापा वहाँ पे बड़ी बना रहे हैं। अगर आपको पता है बड़ी क्या है तो आप देख लो, कुछ इस तरीके से जो नई बछड़ी जब जन्म लेती है उसके बाद जो पहला दूध गैया देती है उसमें से बड़ी बनती है और पेंडे जैसा लगता है उसमें थोड़ी सी। मम्मी चीनी डालते हैं कि नहीं डालते उसमें? चीनी डालते हैं। हाँ, खीरा बोलते हैं वो, खीरा बोलते हैं, निकालते हैं चूल्हे पे सड़ाने के बाद बड़ी बनती है। अच्छा हाँ। तो पापा लग पड़े हैं ये, पहले उकाड़वो पड़े। हाँ हाँ, तब पापा पहली बार बनाई। हाँ, पूछी पूछी। तो जी, अभी मैं नीचे के रूम में जाऊंगा स्पेशली आप लोगों के लिए ये सनग्लासेस के वीडियो बनाने के लिए। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ये ग्लासेस पहनता हूँ, पर क्या करता हूँ ये ग्लासेस पहन के वो अपने दूसरी चैनल में मैं डाल रहा हूँ वो वीडियो। नहीं देखा है तो देख लो जाके, बहुत स्पेशल है ये चश्मे। अगर आपने फिलहाल देखा होगा क्रिएटर अवार्ड, उसमें अपने टेक्निकल गुरु जी है उन्होंने ये चश्मा पहन के स्टेज पर एंट्री ली थी और ऐसे बटन दबा के कुछ किया था। तो अगर वो जानने का है तो दूसरे चैनल जाके अभी देख लो वीडियो, बहुत इन्फॉर्मेटिव है ये, मेरे फेवरेट है वैसे। चलिए गाइस, तो बातों में केजीएफ आ चुके हैं ऑफिस से वापस ब्लैक कपड़े में। आज तो रजा है ना? आज है रजा है। कुछ करते हैं यार नवीनता में यार, कहीं पे चलते हैं यार। चलने यार। चलो क्या जाऊँ, चलो वो वेस्ट साइड खुला है वराछा में नया, चल निकलते हैं। हाँ बेटा, काम करने आज, आज ये उठ अभी सो के ना, उठ के हम कुछ गेम खेलेंगे। कौन सा गेम खेलना है बेटा? आप जो डिसाइड करो वो खेलेंगे। तो आप जो डिसाइड करो। एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपया घटाड़ो। एम आई वुमन डे, वुमन डे तो ना, वुमन डे तो ना, तो गिफ्ट ना नरेंद्र मोदी 100 रुपया घटाड़ा गिफ्ट। भाई देखो, हम मोदी जी के विरोधी नहीं है, बट मैं डिटेल में बोलना चाहता हूँ। मैंने जो अनुभव किया है, पहले सिलेंडर 300 रुपये, 200 रुपये, अभी तो 900, 800, 1000 रुपये चला गया। उसको देखो, एक एक सिलेंडर गिफ्ट दे तो भी फायदा हो जाए। तो जी, आज तो मुझे किचन में आने का मौका ही नहीं मिला था। जैसे ही आया, बेसन का आटा दिखा, बेसन के आटे से या तो भजिया बन सकता है, या तो गाठिया बन सकता है, या तो पूरी बन सकती है, कुछ भी पुडला भी बन सकता है। तो मम्मी से पूछेंगे, मम्मी क्या बना रहे हो आप? गाठिया। गाठिया खाने का मन हो गया है ऐसे तड़के में? सवार नो नाश्तो का नो तो गाठिया खा ले। ओ माय गॉड, चाय के साथ गाठिया चाहिए। गाठिया से याद आया गाइस, गाठिया तो खाना चाहिए। घर के अरे बनावे नहीं भावेस। यस ठीक है गाइस। और अभी मैं इंस्टाग्राम में ऐसे देख रहा था तो एक भाई ने बहुत बढ़िया लिखा, मम्मी रियली इतना अच्छा लिखा है ना, मैं आपको अभी बोलता हूँ। शादी में हम लोग जाते हैं ना तो कवर लेके जाते हैं, मंडप मुहूर्त में या फिर हल्दी में या फिर रिसेप्शन में कवर देते हैं। वो रिवाज बंद करके हॉस्पिटल में कभी कभार हम जाते हैं ना तो जो हॉस्पिटल में खबर पूछने जिसकी जाते हैं ना उसको कवर देना स्टार्ट करो। तो उसको एक तो पहली बात तो उसको सर में ऐसा टेंशन नहीं रहेगा कि खर्चा ये हो गया वो हो गया, थोड़ा दवा दारू का जितना मिले उतना अच्छा रहेगा। और
साथ ही साथ उसको ऐसा अच्छा लगेगा घर वालों ने सपोर्ट किया, तो तेरा क्या बोलना है, ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ, वो बात सही है। अच्छा लगा कि नहीं तुझे? अच्छा लगा। तो गाइस आज से ही हम स्टार्ट करेंगे, हम जब भी ट्राई मिलेगा ना, टाइम मिलेगा, मैं करूंगा। हाँ, मैं तो पहले से बोलती हूँ। हाँ? मैं लंदन गई थी ना, वहाँ कोई भी कोई लड़के एक लड़की छोटे छोटे लड़के का बर्थडे होता है ना, तो बहुत रमकड़ा लाते हैं, आ लाते हैं, ती लाते हैं, गाड़ी लाते हैं। तो मैं भूमिका ने बोला, मैंने बोला कवर की सिस्टम कर दो, सब घर में रमकड़ा तो होता है, होता है, छोकरा हो ना रमकड़ा तो होता है, डबल थी जाए गमे न गमे, एना करता कवर की सिस्टम करो, ये वधारे सारू पड़े। वेरी गुड, मेरे को ये अच्छा लगा। तो बाहर के देश में भी अपने इंडियन वैन लाए ना, तो घर पे जाते कवर दे के आओ बच्चे को, वो काम आएगा, जो भी वो ले जाएगा। तो आपका क्या बोलना है? बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों सहमत नहीं हो? क्योंकि हमारे में क्या है, लोग 500 रुपया देंगे लेकिन 5,000 की सलाह दे के आएंगे, इसकी वजह से बंद कर दो, नहीं करना चाहिए। मैं तो करूंगा ही नहीं, ये तो नया उल्टा ही चल रही है। नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट में लिखना, मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा। हॉस्पिटल में कभी भी किसी का सलाह हो दे, कौन सलाह दे? हाँ, देखो अभी हम क्या बीमारी है, ताव है, ये है, फलाने भाई को ये हुआ था ना तो इसने ये किया था तो अच्छा हो गया, फलाने भाई को ये हुआ था तो वो हो गया। तो हमारे लोग में सलाह सूचन ज्यादा करते हैं, वो बात सही है। खबर पूछने के लिए जाए तो इसको आ हुआ था, इसको आ हो गया, होमना नहीं है। हाँ। इसको दिलासा देना है, लेकिन हमारे बात सही है। मैंने बोला कवर की बात बोलते हैं, नहीं कवर तो देना, मैं अभी ट्राई करूंगा। तो अभी क्या है, कंटेनमेंट तो हमारे घर का शेड्यूल तो आपने देख ही लिया है, तो हम हर रोज सोचते हैं कि क्या नया करें, कैसे हम आप लोगों को एंटरटेन करें। तो आज एक नया थॉट आया है जो सबके घर पे शायद रिलेट होगा ही होगा। क्या है, हमारे घर पे मेहमान सबके घर पे आते ही है, वो फोन करके आते हैं ना तभी हमें कोई तकलीफ है नहीं, हम सब कुछ रेडी रखते हैं, लेकिन बिन बुलाए मेहमान जब हमारे घर पे आते हैं तब क्या सिचुएशन होती है, वो अभी हम थोड़ी बहुत क्रिएट करके बताएंगे आपको। अभी मेहमान है हार्दिक भाई और मम्मी, दोनों मेहमान में है, और मेरा जयदीप और दोनों बच्चों का ये घर है, मम्मी और हार्दिक भाई मेहमान बन के आएंगे, ठीक है, देखते हैं कैसा। तो आप लोग अगर रिलेट कर पाओ तो प्लीज कमेंट करना। तो जी, बच्चे कुछ इस तरीके से खेल रहे होते हैं और घर की जो महारानी होती है वो टांग ऐसे चढ़ा के कुर्सी पे बैठ, ओ बेल बज गया, कोई आया, ओवर एक्टिंग हो गया पहले से ही, इधर पैसा रण हो गया है और बच्ची जाती है। आओ आओ, मेहमान है वासी, हेलो, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, आओ आओ आओ, जय श्री कृष्ण, आओ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, अबल बसाओ कर वेरस बधो, हां जो ने छोकरा हो એટલે થોડું તો રે, હા ઘણું રે થોડું, અને લેગી પેર આયા હોત, લેગી પેર આયા, લા દે નો તેડો, લે લે લે, રમણ લે, લા લા લા, એનો જાણો પડશે, નહીં પડે નહીં પડે, અજાણ નહીં પડે ને બેટા, અમારે છોકરા છે બેન એટલે અમને નો જાણો, બેઠી આઈ, સોફો બોફો સાફ કરો બેહવા માટે મહેમાન ને, સોરી સોરી, આવો આવો, આને વળ્યા વીઆઈપી મહેમાન આયા લગ રહે હે, टूटी जाता मेहमान, चलिए। तो हमारे घर पे बहुत अच्छे से मोंघेरे मेहमान आए हैं, तो पानी लेने जाएगी पहले तो सरिका, तब तक मैं बैठ के बातें करूंगा। केम छो, कैसे हो? बहुत मजा सो, कैसे आना हुआ? बस हमने माना हुआ है, चाय भाई पी ली हो लगती है, कब पड़े फुगरे, चाय ले आएंगे आपके लिए, नहीं पी ली होगी आपने, इतना अच्छा भी मत फटाफट बोलिए। हाँ, तो क्या ले आओ, तबियत पानी बदल, रेडी, तबियत रेडी हो, પાણી પીવાનું છે, નાખી દેવું, નાખી દેવું, નાખી દેવું, તો એવું થોડું દેવાય મહેમાન ને, હિન્દી મેં બોલીએ પ્લીઝ, એસા પાણી નહીં ચાહીએ હમકો, અચ્છા પીને કા પાણી ચાહીએ, હમારે વીઆઈપી ગેસ્ટ હો, અચ્છા પાણી, વીઆઈપી ગેસ્ટ કો પાણી, કેંગન વોટર કા, આપને પીયા હે કભી કેંગન, હમ ગેસ્ટ કે લિયે કેંગન વોટર કા વો પ્લાન રખતે હમ, સાદા પાણી પીતે હે, કેંગન વોટર ભી પીતા, કેંગન કેંગન કેંગન, આપ થોડા શીખા કે આયે પ્લીઝ, ऐसे आते ही है ना फिर अचानक रेड पड़ती है ना, तो ऐसे मोमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, थोड़ी देर पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या पूछे अचानक, हाँ। वो फिर गेस्ट होते हैं ना, वो बॉम्ब फोड़ते हैं, नहीं जानीता मेहमान आवे ने, हाँ। तो आपने खबर है, चलो जानीता से એટલે એને ખબર છે છોકરા બોકરા છે, પણ વચ્ચે તો કોઈ બીજો મહેમાન આવી જાય ને અજાણ્યો, હા, તો આમ માફળા ફાફળા થઈ જાય, માફળા ફાફળા હો જાતે,
तो हाँ सबके घर में होता है क्या? हमके घर में ही होता है, सबके घर में होता है। तो थोड़ी ही देर में देखो सारिका ने पूरा का पूरा घर एकदम चकाचक कर दिया और सबको अभी भी फेंक रहे हैं देखो। अभी जो गेस्टों के बीच में बात होती है ना, गेस्ट और हमारे बीच में, वो दिखाते हैं। कितने साल का लड़का हुआ? लड़का 1.5 साल का, और ये मेरी बड़ी बेटी है, 5 साल की हो गई। ओ अच्छा, बहुत क्यूट है। बहुत क्यूट है। ओ इससे ज्यादा क्यूट है। बाको बोला तो भूल गई। बाको एबीसीडी सुना है सु? एबीसीडी ईएसटी एस आई जे के एल ओ पी। कितना अच्छा लड़का है। बहुत क्यूट है। टीका नहीं किया जी दीपा? किया है। नहीं किया, किया। नजर नहीं लगे मार दिख रहा। थू थू थू। अच्छा ओके वेरी। ये बच्चा तो सबके पास जाता है ऐसा लग रहा है। ये बच्चा सबका हेवाया है ना, सबका हेवाया है। जान भी तो लगता है तो बहुत ही क्यूट है बेबी। जान भी तो ये सेडा बेटा साफ नहीं किया है बच्चे का। ये बच्चे देखो चढ़ गए हैं गेस्ट के ऊपर। ये बच्चे सबके पास जाते हैं। बच्चे गेस्ट को भगाएंगे ऐसा लग रहा है। शेडा वेडा साफ कर देंगे शर्ट में। क्या है बच्चे? चाय बनाओ, कॉफी ठंडू? नहीं वातावरण ठंडा है ना, इसीलिए चाय कुछ गरम बनाओ। चाय बनाओ। हाँ ले इधर, इनको गरम चाहिए, इनको ठंडा। चाय गरम ही होगी। अभी ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अगर उनको पूछे, कोई बोलते हैं गरम लाओ, कोई बोलते हैं ठंडा लाओ, तो घर की जो लेडीज होती है ना वो मतलब उसमें बौखला जाता है। उनको पता नहीं चलता है कि हम क्या बनाए और क्या उनको पिरसे। दोनों बना देते हैं। हाँ दोनों बना देते हैं। पछी शर्माता शर्माता बना ही देव पड़े। राइट हाँ सही बात है। डैडी ये है ना, ये पिएगे सब नींबू पानी। लींबू पानी पियेंगे। ओके चलिए। हाँ बताइए हार्दिक भाई, अभी 4 बजे पी के नहीं आए चाय? नहीं पी के चाय नहीं पाने पीने के। ऐसा सोच के आए थे कि आपके घर पे ही चाय पियेंगे, आप पिलाएंगे तो अच्छी। 4 बजे बिना फोन करे आ गए। हाँ अच्छा, उसमें भी ये आपकी बच्ची बनाएगी तो और अच्छा रहेगा। बच्ची को हम पढ़ाएंगे। कहाँ पे पढ़ती हो बेटा? स्कूल पे। स्कूल पे। बड़ी होके क्या बनोगी? बड़ी तो होने दो। बड़ी तो हो गई हो। और क्या चल रहा है? और बस देखो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, नए नए धंधे ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं, बट मिल नहीं रहा है। तो बाहर निकलो, बाहर इधर से तो थोड़ा धंधा मिलेगा। बाहर निकलना पड़ेगा? बाहर निकलना पड़ेगा ना, घर में तो धंधा कैसे मिलेगा। ओ अच्छा। किधर है आपके पापा? किधर गए? पापा वाड़ी पे गए हैं। उधर ही रहते हैं क्या? उनको वहाँ बहुत मजा आता है, वो वाड़ी का काम करते हैं। बराबर, तुम क्या करते हो? हम तो बस वो वहाँ से दूध लाते हम पीते हैं। मैं मामा है तो मेरे को पैसे मिलेंगे। क्या कान में बोलती है तू? कुछ नहीं, अभी नहीं पिगी बैंक लाया है ना। हाँ। तो इसी ले लेके अब खेल रही है। अच्छा। इसमें पैसा डालना है? पैसा डालना है इसमें? हाँ, ढगला पर है। हाँ मेरे को चलेगी। मीडियम बनाना दे, बहुत मीठी नहीं, मीडियम। आपको ज्यादा शक्कर वाली? नहीं हाँ चलेगी, कोई भी चलेगी। कोई भी चलेगी। घर पे पी के आना चाहिए। ये मीठी वाली है? लाकड़ी में बनाई लगा पकवा दीदी से चार। अरे मस्त। क्या है हमारे घर पे गेस्ट आते रहते हैं ना, तो हमको चाय बनाने की आदत है। चाय ये तो खाली है। अरे यार एक्टिंग करने का है यार, क्या है यार तुम भी? अभी तो पी रही थी आपने। हाँ थोड़ी मोरस ज्यादा डालना। मोरस गामड़ा जाए ना, मोरस नाक जी हमारे। स्पेशल यही आए या किधर? यही कहीं आए थे? नहीं यही आए स्पेशल। स्पेशल तो फोन नहीं किया इसीलिए? आपके वो पापा की खबर पूछने के लिए आए थे। अच्छा, तो आप बहुत लेट हो गए। क्यों क्या हुआ? 4 महीने से उसको लगाया था। पापा घर पे नहीं रहते है ना? आज भी नहीं। वो हमारे आपके वीडियो देखते हैं तो आपके पापा घर पे नहीं रहते, तो आज लगा कि घर पे होंगे। अच्छा, शेर ढूंढ ढूंढ के आया। अच्छा नहीं मिल रहा था, पिछली बार तो आए थे भूल गए, पीछे की सोसाइटी में घुस गए। तो आज रात का खाना यही पे खा के जाना? नहीं नहीं वो घर पे ही है, हमारे घर पे ही खाना है। नहीं अच्छा, पापा परसों गए थे ना वाड़ी पे, तो कल आए थे तो ऑर्गेनिक दूध ही लेके आए, तो लौकी की सब्जी भाकरी चूर मचोल के खाएंगे। मेरा तो उपवास है, दूधी का नाम सुन के उपवास याद आ गया। शिवरात्रि कल थी आपने? शनिवार रहा हुआ।
अरे खा के ना, दूधी तो बहुत अच्छी है। हमको सुनने में आया है दूधी आपकी फेवरेट है, इसीलिए आज मैंने सोच लिया कि आज उपवास ही रह लेता हूं। उपवास में दूधी खा सकते हैं। हां दूधी बहुत अच्छी है, हेल्दी निर्जला उपवास बना दो। निर्जला उपवास तो चाय क्यों, तो चाय तो पी होगी तो वो फराली होती है ना। चल नहीं हलवा बना दे तो खा ले। दूधी का हलवा चलेगा, बाकी शाक बाग नहीं चलता है। तो सिर्फ हलवा ही खाओगे जमने में, खाने में? हां मेरे को चलेगा हलवा। तो सारिका जी इनका खाने का प्रबंध कीजिए। आपको आंटी चलेगा? हाँ मुझे भी चलेगा, हलवा तो बहुत पसंद है। सब्जी बोल रही हूँ मैं, सब्जी दे सब्जी दे हलवा। हमारे घर पे दूधी आती है ना तो उसकी सब्जी नहीं बनती, हलवा ही बनता है। अच्छा ऐसा, अपनी सब्जी खाते हैं। सब्जी दूधी के हलवा के लिए ही है। इसके बाद है ना थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है, फिर सोचने में लग जाते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद मेहमान खुद बोलते हैं। मेहमान के जाता ही नहीं थे, हर को जवाब देता ही नहीं थे। ऐसा होता है। और ढोकड़ा राबड़ू पर ढोकड़ा कर दे। हाँ वो चलेगा। चलेगा ना, चलिए तो अभी खाने का प्रबंध करते हैं। अभी उपवास नहीं है। छोड़ दिया ऊपर। तुम्हारा आग्रह बहुत है ना? है ना। हाँ तो खा लेते हैं। हाँ चलो थैंक यू। हाँ हम आपके घर दो तीन बार खा के आए, लेकिन आप तो हमारे वहाँ पे रुकते ही नहीं है। अपन आप अच्छा खिलाएंगे तभी रुकेंगे ना। तो ऐसा कुछ होता है ना इस दरमियान घर के जो काम कमाई करने वाले सदस्य होते हैं ना, जिनको कुछ काम रहता है या फिर किसी का कॉल आया होता है, किसी को टाइम दिया होता है, उसको अचानक से फ़ोन आने लगते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि अभी मैं थोड़ा, मेरे को एक काम है ना, मैं निकलता हूँ, मैं एक मीटिंग में जाना है, ठीक है तो मिलते हैं, तो आप घर पे बैठो खाना पीना खाओ ना। हम भी निकलते हैं भाई। अरे ऐसा मत करो, खा के जाओ, तुमको ज्यादा काम होता है ना। हाँ इसलिए हम भी जाते हैं। हाँ हमको भी काम रहता है। अच्छा आपको भी काम रहता है, अपना काम करो। कितने महीनों बाद आए, ऐसा थोड़ी चल, खाना खा के जाओ, हलवा बने तो खाई जाए। वो बच्चे लोग है ना छोटे छोटे, क्या हैरान करवा तुम। मेहमान ने बच्चा सब बढ़ो दे दिया। हाँ छोटे छोटे बच्चे हो ना, हैरान नहीं करना चाहिए हमें, इसीलिए हमको रजा दे दो। तो कब कब आओगे फिर? समय आएगा तो आएंगे। चलो बाय, समय मिलेगा तो आएगा। अब वो खेचू नहीं थी, बहुत ज्यादा लंबा खींच लिया। चलो जय श्री कृष्ण। तो ओके जय श्री कृष्ण, थैंक यू, आप आए बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं, तुम तुम्हारा काम करो। ओके तो खड़े होने का को मुखवास खाना है अभी? मुखवास तो चाहिए ना, चाय पिला दी उसके ऊपर, मुखवास तो दिया नहीं। मेहमान थोड़े चिपको हिल नहीं रहे, भिंडी की तरह चिपक गए है मेहमान सोफे के साथ, उखड़ ही नहीं रहे। तो उखड़ने का क्या लोगे? हमको हमारा घर जैसा फीलिंग आता है ना, इसीलिए बैठे हैं। अच्छा ऐसा है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे क्या है, मुझे और जयदीप को बाहर जाना है, अभी आप घर पे दोनों बच्चों के साथ रहोगे तो हम एक थोड़ा काम है। हाँ कोई बात नहीं। जाओ, हम बच्चे को संभाल लेंगे। बच्चे को संभालो, आप भी संभालो। नहीं मैं तो मेरे काम में जा रहा हूँ अभी। बहुत खींचू यार। चलिए भाई बहुत लंबा हो गया है अभी, तो आपके घर पे भी क्या ऐसा होता है आप कमेंट कीजिए, मजा आया हो तो थोड़ा लाइक मार देना। तमे रोका है मावजो, जम्मा हमने बहुत मजा आवी तुम्हारा घरे आवी। राजी हो गया, छोटे बच्चे को दे दो। अरे आपने तो खिलाया नहीं अभी। खिलाया नहीं इसके, ना के मेरे दुकान है, नहीं के खा लेना। छोटे बच्चे को दे दो, ये छोटे बच्चे को। दुकान है ना आइसक्रीम की, लेके मेरे पास है पैसे अभी। ना लो तो मान लो देवानो ना ना। बीजी बार आओ तो देजो वाल से ना बे, एकदम बहुत मोड़ में खौड़ाई सो। अभी बड़े को देंगे, छोटा रोने लगेगा। तभी दे दो नेक्स्ट टाइम। आप कॉलवा करो। चलो बेटा बाय बाय। आप मुझे कॉलवा खाना खींचा दिया, बेटा को तो मेरे पास आना है। खींचा ढीला भी करो, खींचा को नेक्स्ट टाइम। बड़ी को दिया, छोटी को नहीं। मेरे को आइसक्रीम खाने का है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो इधर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। विल सी यू टुमारो, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।